जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। वट सावित्री का व्रत, जो कि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है और कहीं कहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है, जिसे कि वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। विशेष जगहों पर, जो कि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है, यह व्रत जो कि सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह प्रमुख पर्व माना गया है, इस दिन विशेष प्रकार से वट वृक्ष की पूजा करने का विधान है। वट वृक्ष, जिसे कि बरगद का पेड़ कहा जाता है, बरगद पेड़ के नीचे इस दिन बैठ करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार से पीपल वृक्ष को पूजनीय माना गया है, उसी प्रकार से बड़ के पेड़ को भी पूजनीय माना गया है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना गया है। इस व्रत को धारण करने से स्त्रियों का सौभाग्य अटल होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है, पति की आयु लंबी होती है तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। वट सावित्री को, जिसे कि बहुत से जगहों पर बरसात के नाम से भी जाना जाता है, यह व्रत सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है। इस व्रत में, जो कि त्रयोदशी तिथि से ही व्रत को शुरू माना जाता है और अमावस्या तिथि के दिन तक पूजन आदि का कार्य किया जाता है, और विशेष प्रकार से अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री के दिन, जो कि वट वृक्ष की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। जल, मौली, रोली, चावल, गुड़, भींगे हुए चने, धूप दीप से वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। समस्त श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इस दिन जो कि सत्यवान सावित्री ब्रह्म सावित्री का पूजन किया जाता है। पूजन संपन्न होने पर इसके बाद वट वृक्ष में जो कि कच्चा सूता मौली लपेटना चाहिए और फिर वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद फिर वट सावित्री व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से सावित्री माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पूर्व मद्र देश में अश्वपति नामक एक परम ज्ञानी राजा थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए पंडितों की सम्मति से भगवती सावित्री देवी की आराधना की। इस पूजा से उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। जब वह विवाह योग्य हुई, तब राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने को कहा। एक दिन महर्षि नारद राजा अश्वपति के घर आए हुए थे, तभी सावित्री भी अपने लिए वर चुनकर लौटी। उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने बताया कि महाराज, राजा द्युमत्सेन के आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले नारद जी ने उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को देखकर राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने वर खोजने में निस्संदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान, गुणवान और धर्मात्मा है। वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु उसमें एक भारी दोष है। वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। नारद जी के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने पुत्री को कोई अन्य वर खोजने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने दृढ़ता पूर्वक कहा कि जिसे मैंने एक बार मन से पति स्वीकार कर लिया है, वह अब चाहे जैसा भी है, वही मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन को सुनकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने पति को अंधे सास ससुर की सेवा करती हुई सुख पूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी के कथानुसार जब उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे, तभी से वह उपवास करने लगी। तीसरे दिन उसने पितरों का पूजन किया। तत्पश्चात वह सत्यवान के साथ वन में जाने के लिए उद्यत हुई। इसके लिए उसने सास ससुर से आज्ञा प्राप्त कर ली।
सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ा, परंतु शीघ्र ही सिर में पीड़ा होने के कारण नीचे उतर आया और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी सावित्री ने यमराज और उसके दूतों को सत्यवान का जीव निकालकर ले जाते हुए देखा। यह देखकर वह भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे समझाकर वापस लौट जाने के लिए कहा। प्रत्युत्तर में सावित्री ने कहा कि हे धर्मराज, पति के पीछे जाना ही स्त्री का धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर को दिखाई देने का वरदान मांगा। वर प्राप्त करके भी सावित्री ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। यमराज ने दूसरी बार वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति का वरदान मांगा। वर देने के बाद यमराज ने पुनः सावित्री को वापस लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्राण पर अडिग रही। तब यमराज ने उससे अंतिम वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त का वरदान मांगा। सावित्री की पति भक्ति और युक्तिपूर्ण वचनों के बंधन में बंधे यमराज ने सत्यवान के जीव को पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर ध्यान हो गए और वह लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई। सत्यवान के मृत शरीर में पुनः जीवन का संचार हो गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके अपने ससुर कुल एवं पितर कुल का दोनों का ही कल्याण किया। इस प्रकार से जो भी वट सावित्री का स्त्रियां व्रत धारण करती हैं, तो उनका सौभाग्य अटल होता है, पति की आयु लंबी होती है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप विशेष प्रकार से वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त व्रत पूजा महत्व के बारे में जानना चाहते हो, तो उसका वीडियो चैनल पर अलग से अपलोड है, आप जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।